हम लोग का बारी है शूटिंग करने का, जो कि Q&A वीडियो के लिए है ना, तो हमने कुछ ऐसा सेटअप बना कर रखा। कुछ भी समझ नहीं आ रही क्या लिखा है। एक पेज, दो पेज, तीन पेज, कितने ज्यादा मैंने पेज बर्बाद किया। उसके बाद आलू का, टमाटर का, बैंगन का, गोभी का। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक और व्लॉग में। सो एक और दिन की शुरुआत हो चुकी है एंड आज के व्लॉग की शुरुआत मैं कर रहा हूँ बरसातों के साथ। और सुबह सुबह से यहाँ पर पूरा बारिश हो रहा है और बारिश के वजह से एकदम ठंडा हो रखा है। अभी थोड़ा सा कम है जिसके वजह से मैं बाहर निकल के थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और घर के अंदर तो वीडियो बना ही नहीं सकूँगा क्योंकि करंट नहीं है। सुबह से नहीं, पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पर। कल भी गया था बट आया अनफॉर्चुनेटली, फिर अभी सुबह से गायब है, नहीं आया ना तो उसके बाद तो फ़ोन भी चार्ज नहीं होगा। फिलहाल अभी मैं दुकान खोल कर ब्रेकफास्ट करने के लिए एंड अभी यहाँ पर मुझे एक चैलेंजेस है, वो है कि मुझे अभी नहाना है। कम से कम दो महीने से मैं नहीं नहाया हूँ ना, तो आज नहाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। आप लोग हिम्मत दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं नहा पाऊँ। तो ये जब तक वीडियो जाएगा तब तक नहा लूँ। मैं भी क्या बेवकूफ़ जैसे बात कर रहा ना। तो फिलहाल सबसे पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हो, और आज घर के अंदर शायद कुछ नहीं बना पाऊंगा क्योंकि घर पूरा अंधेरा अंधेरा हो रखा है, करंट नहीं है, और अभी का वेदर यहाँ पर देख सकते हो, बरसात बरसात। धूप निकलने से ना यहाँ पर एक अलग सा व्यू देखने को मिलता है, बहुत खूबसूरत है। पोखरी है, उसके बाद उधर पेड़ वगैरह देखने के अलग ही ब्यूटी लगता है, बट आज पूरा सुनसान। खैर कोई नहीं, दिन पांच उंगली जो देख रहे हो ना सब एक जैसे नहीं है, कभी अच्छा होता है कभी बुरा आता है। सब इसी को कहते हैं डेली लाइफ, इसी को कहते हैं जिंदगी। खैर चलो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो हियर इज माई ब्रेकफास्ट, जो कि है आलू गोभी टमाटर बैंगन डाल के बना हुआ, और एज यूजुअल मेरा फेवरेट रोटी जो कि खाने वाला हूँ। और यहाँ पर मेरा चाय भी, इसे कल मैंने चाय नहीं पिया था ना जिसकी वजह से ना लिटरली मेरा बहुत ज़्यादा सर दर्द होता है, इसलिए अभी मैंने चाय के लिए बोला, चाय लेकर आ रहे हैं। एंड यही आज का मेरा ब्रेकफास्ट जो कि अभी मैं खाने वाला हूँ। बट आज इतना मस्त लग रहा है ना देख कर, वाओ खुशबू भी कितनी अच्छी आ रही है। तो चलो अपना ये ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, और देखिए बारिश धीरे धीरे और ज़्यादा तेज़ हो रहा है। करंट भी यहाँ पर आ चुका है, बहुत खुशी की बात है। करंट रहने से ना घर में रौनक जैसा लगता है, तो करंट भी आ चुका है। और ब्रेकफास्ट अभी तक किया नहीं क्योंकि मैं अभी सर्च कर रहा हूँ अपना ईयरफोन कहाँ रखे है पता नहीं। सबना ने बिस्तर उठाए उसके बाद किधर रख दिया पता नहीं। फोन एयरफोन, ओह ये रहा अपना ईयरफोन। सब ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है एंड अब बारी है सबसे मुसीबत टास्क को कंप्लीट करना। टास्क नहीं मतलब हाँ, मेरे लिए एक चैलेंजेस ही है, वो है नहाना। तो आप देखते हैं कि कैसे नहाऊंगा, जो भी होगा कोशिश करना पड़ेगा, और जल्दी जल्दी नहाना है क्योंकि अब्बा भी फ़ोन करके बोले जल्दी आओ, तो एक उससे एनर्जी मिल रहा है कि हाँ चलो अब तो जाना है दुकान भी ना। तो बस चलो नहाते हैं, और यहाँ पर मैंने गर्म कपड़ा वगैरह सब निकाल लिया, ये हाईनेक, ये गर्म, सब कुछ गर्म गर्म पहनना पड़ेगा, मोटा वाला पहनना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। तो चलो दोस्तों अब नहा लेते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं एकदम हैंडसम बनने के बाद। इतना ठंडा, कपड़ा पहन लेना चाहिए ना मुझे। बरसात के मौसम में मैं घर से निकल आया, छाता भूल आया, दौड़ के दुकान भागना है, दौड़ के दुकान भागना है। ऐसे मेरा 10 के कंप्लीट हुआ था, मैंने Q&A के लिए मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि जहाँ आप अपना सवाल पूछ सकते हो, और मैं जब से दुकान में आया हूँ ना तब से उसी को लेकर मैं पूरा बना रहा हूँ। 130 प्लस क्वेश्चंस आए थे और उनमें से मुझे ना सभी के जवाब देने थे और सभी के नाम भी लेने थे। मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था क्या करूँ कैसे करूँ, और जब से आया दुकान में तब से उसी को लेकर मैं यहाँ पर पूरा काम कर रहा था। एक पेज, दो पेज, तीन पेज, कितने ज़्यादा मैंने पेज बर्बाद किया। उसके बाद इधर दो तीन फाड़े गुस्से से भी, और उसके बाद फाइनली जाके यहाँ पर मैंने पूरा अपना Q&A वीडियो का जो भी कैसे कैसे कहना है सब कुछ यहाँ पर लिख के रख चुका हूँ रूल्स वाइज, ताकि मतलब सीरियल वाइज, ताकि सभी लोगों को देखने भी मज़ा आए। और यहाँ पर कुछ जो ज़्यादा पूछे गए वो सब सवाल है यहाँ पर, और जो सिंगल क्वेश्चन है वो यहाँ पर सारे सवाल से। ये वीडियो डालने से पहले भी ये Q&A वीडियो आ सकता है या इसके बाद भी वो तो नहीं पता, बट
अपना प्रोसेस दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे मैंने किया। भाई साहब वाट लगे नहीं होने से भी 4 घंटे मैंने इसमें समय दिए जस्ट 130 क्वेश्चंस को कवर करने के लिए 4 आवर्स। एंड मैं सभी का नाम लेना चाहता था इसलिए मतलब किसी को डिसअपॉइंट क्या बोलते हैं दुख नहीं पहुंचाना था, जिसकी वजह से ना मैं सभी का नाम यहाँ पर मेंशन किया हूँ। और शायद एक दो का छूट भी होगा मुझे याद नहीं, बट मैंने पूरा बेस्ट किया एंड होप ये सभी का नाम आया होगा। और आप लोग को ये वीडियो अगर देख लिया होगा क्यों नहीं वाला तो अच्छा है, या शायद इसके बाद आ रहा होगा तो आप जरूर जाके देख लीजिएगा। सो बस अब जाके ना बहुत राहत मिल रहा है, 4 घंटा लगने के बाद फाइनली कंप्लीट हुआ है। अभी घर पर आया हूँ और आज इतना ज़्यादा ठंडा ना, देखिए अमीर लोग सबको यहाँ पर आके बैठा हुआ है। कब आया दुकान से? जस्ट 5 मिनट पहले। और तुम दोनों के लिए गुड न्यूज सकीना और सबीना के लिए, ये देखो ये देखो क्या है बताओ। ये लिख के रखा 4 घंटा से ये बैठ के लिख रहा था दुकान में, वही बैठ कर उसके बाद पूरा क्वेश्चन वगैरह लिखा है। सबीना रेडी बारू? रेडी है ना? अब इसको हम दुकान बंद करके आएगा ना तब इसको हम लोग बनाएगा और देखते हैं कि कोशिश करेंगे सभी लोगों का, मतलब कोशिश क्या ऑलरेडी सभी का नाम वगैरह लिख जाए। और वैसे नहीं समझ जाएगा उसका सवाल, कुछ कुछ ऐसे रिलेटेड फैमिली वगैरह सब कुछ छोटा छोटा मेंशन करेगा, वो हम समझ जाएगा कैसे क्या करना है। ठीक अमी अमी भी जवाब देगा क्या? अमी जवाब देना नहीं, अभी हम लोग सब जवाब देने वाला है। अब अमी को कुछ दिन बाद बैठना। और बुलबुल भी आ चुके हैं यहाँ पर हमारे, बुलबुल बुलबुल एक दिन क्या करना अमी पता है, पूरा एकदम सिर्फ क्या बोलते हैं उसको, आलू का टमाटर का बैंगन का गोभी का मिर्चा का पकौड़ी बनाना है सिर्फ। हम बना देगा ऐसे वाला बनाएगा, हाँ सकीना से बनाएगा। क्या बोलते हैं अमी? 15 तारीख सिर्फ पकौड़ी वाला ही डिशेस बनाना है, वो उसके उसी के ऊपर वीडियो बनाएगा। हाँ, मजा आएगा ना खाने के लिए। और उसके बाद उसके साथ कुछ कुछ बनेगा स्पेशल ऐसे अपना घर पर, सब कुछ जुगाड़ कर लेगा तब बोलेगा हम कि आज मेरा सब जुगाड़ हो गया है। और उसमें सबीना बना देगा मीठा खीर ना सबीना। अभी चाय पिलाएगी, थोड़ा जल्दी लेके आओ दुकान भी जाना है। कुछ भी समझ ही नहीं आ रही क्या लिखा है, ये समझ नहीं आएगा, हम समझा देंगे बस तुम लोग साथ देना। इसीलिए तो क्वेश्चन किया सबीना कितने तक पढ़ी, सबीना कितने तक पढ़े अब समझ नहीं आ रहा है सबीना। ये पढ़ने सक रहा लेकिन किसका आंसर कौन सा है, कौन को आंसर तो हम लोग देगा ना पागल, कौन क्या पूछा समझ नहीं आ रही। क्वेश्चन अभी अभी देखो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपका जन्म कहाँ हुआ है और आपका, हाँ तो यहाँ पर देखा ना यहाँ पूछा है क्रिएटिव जनरेटर सब नाम है सबका, इन लोग का जवाब दे, ये सवाल पूछा है उन लोग का जवाब देना है। तो उन लोग का सबका सवाल अलग अलग है तो उसका मतलब सबका मोस्टली सबका सेम जैसा है तो उन लोग एक एक में मिला के कर दिया ना तो ऐसे जवाब देगा। बोल बोल जल्द समझ, थोड़ा सा जल्दी चाय आप पिला दो गरम गरम। एक तो सामान ले लगता है मियो मियो भाई, तब चलो निकालो पराठा बनाओ। उसमें आलू का पराठा, आलू का पराठा भी कहाँ आलू थोड़ी दाल पिट्ठा बनाओ आज, दाल पिट्ठा बनाओ, हाँ वही बनाओ। और मिर्चा का चटनी एकदम मस्त, ठंडा मौसम बना, जल्दी लेकर आओ चाय। हाँ ओए बुलबुल 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 म्याऊ, क्या हो गया चीनी नहीं है ला तब तुम लोग कोई कमाते नहीं। सबीना का पैसा है देखो, अपना लगा पैसा रखा है मैं समझ रही हूं, तुम खोल दो नहीं है रखता है मोबाइल के पीछे लिखने में निकाली हुई है। ठीक है तब तुम चाय जब बनाएगा ना तब हमको कॉल करना, हम जा रहे हैं अभी दुकान लेट हो जाएगा तब। पैसे मिल गया? म्याऊ किस कहाँ से पैसा मिला, किसका मैसेज निकाला? सब को चुरा चुरा के रख लेते हैं, सब को चुरा चुरा जिसका जिसका पॉकेट मार मार के रख लेते हैं। बुलबुल बुलबुल हटबू तनी हम जाए दुकान है, बुलबुल हटबू चलो हटो जाएगा हम दुकान बनाएगा जल्दी जल्दी है जल्दी करो हमको तो ये देख के कम से कम आधा घंटा लग जाएगा, आधा घंटे से ज्यादा लगेगा। यहाँ पर नहीं बनेगा अपने रूम में, वो फोकस ज्यादा आएगा वहाँ पर शांत भी रहेगा। चलो अम्मी भी चलो अम्मी बैठ बे।
हम लोग का बारी है शूटिंग करने का, जो कि Q&A वीडियो के लिए है ना। तो हमने कुछ ऐसा सेटअप बना कर रखा, सस्ता सा सेटअप, जहाँ छोटा पड़ रहा था तो पीलो रख दिया, उसके बाद उसको थोड़ा सा ऊंचा कर दिया। और ये माइक का इस्तेमाल नहीं करेंगे हम लोग, पूरा क्या बोलते हैं नॉर्मल कैमरा का ऑडियो लेंगे। और कुछ ऐसा क्वालिटी आ रहा है, देखिए सबने जाके एक बार वहाँ बैठना, देखिए कैसा आ रहा है। बैठो, पलथी मार के बैठो। हाँ, थोड़ा सा और मिलाना पड़ेगा मुझे, ये माथा कट रहा है। फोटो वाला लाते हैं बगीचे से? नहीं नहीं, वो फोटो वाला अलग होता है, ये अलग होता है। सकीना कहाँ है? ये थोड़ा सा तब ना, सीधा बैठो। लंबू लड़की जल्दी आओ, उधर जाके बैठो। तो हम इधर बैठेगा, जाओ जल्दी जाओ, देखिएगा मिला कर कैसा क्या हो रहा है। सकीना का माथा कट रहा है रे। सकीना पीछे बैठो, पीछे? हाँ उतना में ठीक है, वहीं पर। हाँ वैसे धंसा रहता ठीक आएगा तेरा। लोग का यहाँ पर पूरा सेटअप तैयार हो चुका है, सबीना भी अच्छे से दिख रही है, सकीना भी अच्छे से दिख रही है। और मैं जाऊँगा उन दोनों के बीच में, वहाँ पर बैठूंगा, उसके बाद जो भी सवाल है वो सब कंप्लीट करूँगा। तो कुछ ऐसा हम लोग सेटअप करके रखे, ये देख ले तैयारी, देखिए कैसा कर रहे हैं, सस्ता सा सेटअप। एंड दुआ रहेगा आप लोग का, प्यार एंड सपोर्ट रहेगा, तो एक दिन अपना भी कुछ अच्छा सेटअप बनेगा। तो चलो अपना ये शूटिंग कर लेते हैं जल्दी से जल्दी। क्यों आज का हम लोगों का शूटिंग हो चुका है Q&A वीडियो का, एंड इस टॉपिक को लेकर मैंने दो वीडियो बना दिए। एंड कर भी क्या सकते, इतना बड़ा था ना कुछ, पहले दिन तो टेंशन हो गया था, बट आज ना एकदम जैसे तैसे करके बनाए दिया आप लोगों के लिए। तो चलो आप देखते हैं कि डिनर में क्या बना और आपको भी दिखाते हैं। और आज पका हुआ खाने में पत्ता गोभी और इसमें आलू डाला हुआ है थोड़ा सा, और टमाटर वगैरह डाल के ये फ्राई बना हुआ है। और उसके साथ बना हुआ है अपना रेगुलर फेवरेट रोटी, जो कि देख सकते हो आज तो बहुत मस्त लग रहा है। यहाँ पर बनाया जा रहा है टमाटर का चटनी, देख सकते हो कितना मस्त लग रहा है ना, कलर कितना अच्छा लगता है ना। तो यहाँ पर प्याज काटा जा रहा है, वो रहा अपना धनिया, टमाटर, प्याज, मिर्चा, इसको एकदम मस्त से चटनी बना के खाएंगे। ये रोटी के साथ खाने के लिए ना एक अलग सा मज़ा आता है, बहुत मस्त लगता है। टमाटर की चटनी, जो कि हमारा लोकल सेफ, हमारे घर का सेफ बना रही है एकदम मस्त से। और आज इसने सब्जी नहीं बनाई क्योंकि ये हमारे साथ बिजी थे Q&A वीडियो बनाने के लिए, जो कि आप लोगों का सवाल था उसका जवाब देने के लिए। वेरी टेस्टी, मुझे खा लिया। अभी टेस्टी पता चल रहा है ना। तो ये देख सकते हो अभी कितना अच्छा कलर दिख रहा था, अभी इसका कलर थोड़ा सा कम हो चुका है, बट कोई नहीं, मस्त वाला चटनी बनकर रेडी हो चुका है टमाटर का। तो चलो करते हैं डिनर। आ चुका है हमारा डिनर, जो कि सिंपल और टेस्टी स्वादिष्ट खाना, जो कि बना हुआ है क्या क्या आपको पहले बता दिया। और ये टमाटर का चटनी तो एक मस्त लग रहा है। यहाँ पर अब्बा खा रहे हैं, इधर है अम्मी और उधर भाई बैठा हुआ, और हम लोग देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज, जो कि चल रहा है कुछ झगड़ा तुर्की ने, भूकंप शायद कुछ आया था तुर्की में, उससे कुछ देख रहे हैं। और ये रहा अपना जो कि डिनर अभी करने वाला, और बुलबुल को भी यहाँ पर दे दिया एकदम खाने के लिए। मज़े से खा रही है, मज़े से खाओ। तो चलो अपना ये खाना को आरम्भ करते। दाल भी है क्या? मेरा बेड जहाँ पर मैं अभी सोने वाला हूँ, उससे पहले इसको साफ सफाई करूँगा। साफ सफाई करने से पहले आप सभी से थोड़ा सा बातचीत। तो फाइनली हम लोगों का Q&A वीडियो बन के रेडी हो चुका है, एंड मैं सोचा था कि इससे पहले डालूंगा, बट मुझे ऐसा लग रहा है ना कि सबसे पहले थोड़ा बहुत आपको शूटिंग दिखा दें, उसके बाद ही आपको वीडियो दिखाएंगे कि कितना मेहनत लगा। हाँ कि पहले वो डाले, कन्फ्यूज़ हो रहा है। खैर जो भी होगा मैं डिसाइड करके आपको दोनों वीडियो दिखाऊँगा। तो फिलहाल दोस्तों सभी लोगों का खाना पीना हो चुका है अच्छे से, एंड आज का जो टमाटर का चटनी था ना भाई साहब, मज़ा आ गया। मैं उसी के साथ ज़्यादा खाया, और जो गोभी पत्ता गोभी था वो कम खाकर टमाटर ज़्यादा खाया, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा। तो आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा, बिजी रहा, ठंडा रहा, और जैसा भी था, बट कुछ ना कुछ नया सीखा, नया जाना, और आप सभी के साथ शेयर किया। तो फिलहाल दोस्तों आज के व्लॉग में बस इतना, एंड कल मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।